उत्तराखंड के साथ साथ हिंदू धर्म के सबसे मुख्य चार धामों में भी बद्रीनाथ धाम शामिल है। खड़े रहने की जगह नहीं थी सही से, तो मैं वीडियो तो क्या ही शूट करूंगा, अंदर कुछ अलाउ भी नहीं था। माणा विलेज एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर ये नदी आपको प्रत्यक्ष रूप से मतलब अपनी आंखों से दिखाई देगी। एक्चुअली में यही वो चट्टान है जिसको भीम ने अपने स्वर्ग यात्रा के दौरान यहाँ पर रख दिया था दो खाई के बीच में, ताकि वो रास्ता पार कर सके। महर्षि वेदव्यास जी बोलते गए, हमारे गणेश जी लिखते गए दोनों हाथों से, तो सारी की सारी घटना यही पे हुई। बद्री विशाल, स्वागत है आप सभी भक्तों का, श्रद्धालुओं का भगवान बद्री विशाल की नगरी बद्रीनाथ से। देख लो भाई, बद्रीनाथ पहुंच चुके हम लोग। अगर आप केदारनाथ धाम के बारे में जानना चाहते हो, संपूर्ण जानकारी लेना चाहते हो कि वहां पर कैसे जाए, रजिस्ट्रेशन कैसे करें, रुकने की व्यवस्था कहां पर है, कैसे जाना है, सब कुछ ऊपर आई बटन में केदारनाथ धाम का वीडियो आ रहा होगा, वहां पर जाके आप चेकआउट कर सकते हो और सारी की सारी जानकारी ले सकते हो। खैर, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको दर्शन कराने वाले हैं बद्रीनाथ धाम के, जो कि चार धामों में मतलब हिंदू धर्म के सबसे पवित्र चार धामों में से एक है। और देखो, उत्तराखंड के चार धामों में तो एक है ही है, लेकिन हिंदू धर्म के जो सबसे मुख्य चार धाम है, जैसे कि अपने उत्तर में हो गया बद्रीनाथ धाम, पूर्व में हो गया जगन्नाथपुरी, पश्चिम में हो गया द्वारिका और साउथ में हो गया रामेश्वर, तो उत्तराखंड के साथ साथ हिंदू धर्म के सबसे मुख्य चार धामों में भी बद्रीनाथ धाम शामिल है। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको दर्शन कराने वाले भगवान बद्री विशाल के। मतलब देखो, अंदर मैं बोल नहीं सकता कि कैमरा लेके जा सकता हूँ नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि देखो यार, किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी लाइन है। मतलब यहाँ से आप देख सकते हो कितनी सारी भीड़ है और ये लाइन ख़त्म ही नहीं हो रही, इतनी सारी भीड़ है अभी यहाँ पर। और जो सुबह 5 बजे से लाइन में लगे थे, वो अभी 9 बजे निकल रहे हैं, मतलब सुबह के 9 बजे वापस निकल रहे हैं। तो 4-4 घंटे लाइन में लगने के बाद दर्शन कर रहे हैं। और बद्रीनाथ धाम में दर्शन करने के बाद यहाँ से 3-4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है माणा विलेज, माणा गाँव, जो कि इंडिया का सबसे लास्ट गाँव है, आखिरी गाँव है। तो वहाँ पर भी जाने वाले हैं और वहाँ पर भी बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेसेस है, मतलब हमारे पुराणों से रिलेटेड बहुत ही प्लेसेस है, भगवान गणेश से रिलेटेड बहुत ही प्लेसेस है। तो वहाँ पर जाएंगे और आपको माणा गांव भी दिखाने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले आपको बद्रीनाथ धाम के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो देखो, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि उत्तराखंड की जो चार धाम है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, इन चारों धामों को विजिट करने के लिए आपको सबसे पहले यात्रा पास बनवाना पड़ता है, मतलब ऑनलाइन वेबसाइट पर जाके वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, पास बनवाना पड़ता है कि हम इस तारीख को इस धाम को विजिट करने वाले हैं। तो उसका जो वेबसाइट का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ रहा हूँ, स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। तो इस वेबसाइट पे जाके आपको सारे के सारे जो रजिस्ट्रेशन होते हैं वो करवानी होती है। उसके बाद देखो, केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ हो गया, तो बद्रीनाथ में भी हरिद्वार से ऋषिकेश से कंटिन्यूअसली सरकारी बसें जो चलती रहती है, तो 500 से लेकर 1000 रुपये के बीच में आपको यहाँ पर डायरेक्टली छोड़ देगी। और होटल की बात करें तो देखो, यहाँ पर ऐसा सीन चल रहा है कि जो होटल 1000-1000 रुपये में थी, तो सीज़न के हिसाब से वो अभी 4-4, 5-5 हज़ार, 6-6 हज़ार हो गए उसका टैरिफ। तो होटल का कोई फिक्स नहीं बोल सकते हम लोग, मतलब जो होटल आज 2000 में मिल रही है वो होटल कल 10000 में भी मिल सकती है। तो होटल बहुत सारी है, लेकिन आपको यहाँ पर आके ही बुक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कस्टमर की कोई कमी नहीं है, फुल कस्टमर बहुत ही ज़्यादा है, होटल बहुत कम। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि इसी प्राइस में मेरे को बुकिंग दे दो, ऐसा नहीं हो सकता। जिस दिन आओगे उसी दिन का बुकिंग जो प्राइस रहेगा वो आपको देना पड़ेगा होटल के लिए। अभी देखो, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से बस के थ्रू यहाँ पर पहुँच गए, आपका रूम का, होटल का भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया। अभी मैं मंदिर के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो देखो, ये भगवान बद्री विशाल का मंदिर है, मतलब भगवान विष्णु का मंदिर है। यहाँ पर भगवान विष्णु के बद्री नारायण के रूप में पूजा की जाती है। तो देखो, सबसे पहले आपको फूलों से सजा हुआ जो मंदिर दिख रहा है वो भगवान बद्रीनाथ का मुख्य मंदिर है। उसके अलावा सामने से, मतलब मंदिर के ठीक सामने से अलकनंदा रिवर बह रही है, तो आपको इस तरफ से उस तरफ पुलिया के थ्रू जाना पड़ता है। और देखो, यहाँ पर मैं आपको एक चमत्कारिक चीज़ बताता हूँ, अलकनंदा जो रिवर बह रही है, तो यहाँ पर हाल के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा ठंड है। मतलब आप देख सकते हो, मैंने 3-4 लेयर कपड़ों के पहने हुए हैं, और मैं आपको टेम्परेचर भी दिखा देता हूँ। कल रात को -8 चल रहा था और अभी का जो टेम्परेचर है वो है -3। देखो, आप स्क्रीन पे देख रहे होगे, -3 टेम्परेचर चल रहा है। और जो अलकनंदा रिवर का जो पानी है, इतना ठंडा है कि आप सोच नहीं सकते, मतलब आपके पूरे हाथ जम जाएंगे। तो इंटरेस्टिंग बात ये है, चमत्कारिक बात ये है कि इतने ठंडे रिवर के जस्ट बगल में एक कुंड बना हुआ है, तप्त कुंड नाम से। तो भाई साहब, वहाँ पर मतलब कभी भी आप आओगे, पूरे साल में कभी भी आओगे, तो वहाँ पर इतना गर्म पानी रहता है, इतना गर्म पानी रहता है कि पूछो मतलब। इतनी ठंडी रिवर बाजू में से बह रही है, इतना ठंडा मौसम है, माइनस में टेम्परेचर चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी 12 महीने वहाँ पर बिल्कुल गर्म पानी रहता है।
तो जो भी भक्त बद्रीनाथ धाम में दर्शन के लिए आते हैं वो सबसे पहले मतलब रिचुअल के हिसाब से वहाँ पर स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद भगवान बद्रीनाथ के दर्शन के लिए जाते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए आज जैसे कि मैंने बताया कि पहला दिन है तो बहुत सारी भीड़ ऑलरेडी यहाँ पर आ चुकी है, तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी स्नान करते हैं, लेकिन जो रिचुअल्स बताए उस हिसाब से लोग नहीं चल रहे, क्योंकि भाई ऑलरेडी देखो कितनी सारी भीड़ लगी हुई है दर्शन के लिए, तो अगर नहाने जाएंगे वो सब करने जाएंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो इसीलिए जो मोस्ट ऑफ दर्शनार्थी वो डायरेक्टली बाबा बद्री विशाल के दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो चलिए फिर भी ज्यादा टाइम पास नहीं करते, चलते फटाफट भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए। जैसे कि आप लोगों ने देखा अभी हम लोग मंदिर में दर्शन करके बाहर आ चुके हैं, और मैंने पहले ही बताया था कि भाई साहब वहाँ पर बहुत सारी भीड़ है, मतलब खड़े रहने की जगह नहीं थी सही से, तो मैं वीडियो तो क्या ही शूट करूंगा, अंदर कुछ अलाउ भी नहीं था। तो देखो बद्रीनाथ मंदिर के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी काम की वो हमने आपको दे दी। अभी हम लोग मंदिर को छोड़ के जा रहे हैं, मतलब देखो मंदिर में दर्शन के अलावा कुछ है नहीं वैसे आपको दिखाने के लिए। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे, जाएंगे माणा विलेज के लिए, जैसे कि मैंने बताया था यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, तो फटाफट वहाँ पर चलते हैं, 5-7 मिनट में वहाँ पर पहुँच जाएंगे। और यहाँ पर भीड़ है तो जो सुबह सुबह जिन लोगों ने यहाँ पर दर्शन कर लिए वो लोग दर्शन करके अभी माणा गए होंगे, तो वहाँ पर भी बहुत सारी भीड़ होगी, डेफिनेटली होगी। लेकिन वहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेसेस है, तो देखो अभी बताऊंगा तो मज़ा नहीं आएगा, तो एक काम करते हैं सबसे पहले चलते हैं माणा विलेज, उसके बाद वहाँ पर जाके एक एक जगह दिखा के उसकी हिस्ट्री बताते हैं। आइए भी हम लोग पहुंच चुके हैं माणा विलेज, माणा गांव, आपको मेरे पीछे बोर्ड दिख रहा होगा, तो आगे भी एक बोर्ड लगा है जहां पर बहुत सारे लोग रुक के फोटो खिंचवा रहे थे, ऑब्वियसली खिंचवाएंगे क्योंकि ये लास्ट विलेज है। वहां पर लिखा है कि इंडियाज़ फर्स्ट विलेज, मतलब ऊपर से आप आओगे तो भारत का जो सबसे पहला गाँव है वो है माणा विलेज, तो वहां पर इसीलिए लिखा हुआ है कि इंडियाज़ फर्स्ट विलेज। तो देख लो यहाँ पर माणा गांव है, और देखो ये जगह महाभारत से जुड़ी हुई है, साथ ही साथ हमारे भगवान गणेश के साथ जुड़ी हुई है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज है। सबसे पहले चलते हैं गाँव के अंदर, एक एक प्लेस को देखते हैं और उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। अभी हम लोग गलियों में घूम रहे हैं माणा विलेज की, और यहाँ पर देखो हर घर के ऊपर कुछ ना कुछ खूबसूरत पेंटिंग्स की गई है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस यहाँ की जो इंटरेस्टिंग स्टोरीज है ना उसको दर्शाती है। यहाँ पर देखो बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग है जहाँ पर 5 पांडव दिखाए हैं, द्रौपदी जी दिखाई है और साथ ही में एक कुत्ता दिखाया है, तो आप इससे समझ गए होंगे कि जब पांडव अपने क्या बोलते हैं स्वर्ग यात्रा के दौरान निकले थे तो इसी गाँव से होते हुए वो गुजरे थे। एक्चुअली में वो घटना सही है, इसी गाँव से होते हुए वो गए थे, और इसी गाँव में थोड़ा आगे जाओगे ना तो वहाँ पर एक जगह आती है जहाँ जिसको भीम पुल के नाम से जाना जाता है। तो एक्चुअली स्टोरी क्या है कि वहाँ से जब मतलब पांडव अपनी स्वर्ग यात्रा के दौरान यहाँ से गुजर रहे थे तो बीच में एक बहुत ही बड़ी खाई आ गई थी दो पहाड़ के बीच में, तो भीम ने अपने हाथों से एक बहुत ही बड़ी चट्टान को उठाकर उस दो पहाड़ के बीच में रख दिया, खाई के ऊपर रख दिया, और उसके ऊपर से वो लोग चले गए थे। तो इसीलिए इस जगह को भीम पुल के नाम से जाना जाता है, और वहाँ पर भीम का एक छोटा सा मंदिर भी बना हुआ है, मतलब यहाँ के लोकल्स ने एक मंदिर भी बनाया हुआ है, तो वहाँ पर भी चलेंगे, आपको सारी की सारी जगह दिखाने वाला है। लेकिन यहाँ पर रास्ते में पेंटिंग्स आ गई इसलिए आपको रुक के स्टोरी बता दी। चलिए अभी हम लोग भीम पुल के रास्ते में ही, और भाई साहब हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी है और बहुत ही तेज़ हवा बह रही है, और देखो मतलब क्या खतरनाक व्यू, मतलब ऊंचे ऊंचे पहाड़, बर्फ़ से ढके हुए पहाड़, और हमें वहाँ पर जाना है।
वहाँ पर बहुत ही ठंडी हवा बह रही है, बहुत ही मतलब बोल सकते हो माइनस टेम्परेचर है, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है। सबसे पहले हमें वहाँ पर जाना है और उसके बाद घूम के इस तरफ ऊपर जाना है। आइए तो देखो यार, चलते चलते हम लोग कहाँ पहुँच गए। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ की इस गांव की, आपको मेरे पीछे नदी दिख रही होगी बहती हुई, ये है सरस्वती नदी। एक्चुअली में माणा विलेज एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पर ये नदी आपको प्रत्यक्ष रूप से मतलब अपनी आंखों से दिखाई देगी। ये देखो कितनी फोर्स में बह रही है और इसके आगे जाके कहाँ पर गुप्त हो जाती है किसी को नहीं पता। आगे त्रिवेणी संगम में आपको पता होगा कि गंगा जमुना सरस्वती, लेकिन वहाँ पर गंगा जमुना का संगम होता है, सरस्वती एज ए गुप्त नदी वहाँ पर है। तो सरस्वती नदी सिर्फ और सिर्फ माणा विलेज में निकलती है, यहाँ पर ही आपको दिखेगी, इसके बाद गुप्त हो जाती है। तो देख लो, ये भी एक रीज़न है, बहुत बड़ा रीज़न है माणा विलेज आने का, सरस्वती नदी को आप यहाँ पर आके देख सकते हो। देखो देखो सरस्वती नदी जहाँ से निकलती है मतलब उसके ठीक बगल में उनका एक मंदिर बना हुआ है, खूबसूरत सा छोटा सा मंदिर है। अभी वहाँ पर रिनोवेशन का काम चालू है तो एंट्री अलाउ नहीं है, लेकिन आप जब भी आते हो मंदिर खुला है तो डेफिनेटली मंदिर में दर्शन करने जाना, उसके बाद अपनी आगे की यात्रा कंटिन्यू कर। सो सरस्वती नदी दिखाने के बाद अभी हम आपको दिखा रहे हैं भीम पुल। देखो मतलब ये आपको दिख रही होगी, बहुत ही बड़ी एक चट्टान है जो दो खाई के बीच में उसको ला के रख दिया है, ऐसा आपको लगेगा। तो एक्चुअली में यही वो चट्टान है जिसको भीम ने अपने स्वर्ग यात्रा के दौरान यहाँ पर रख दिया था दो खाई के बीच में, ताकि वो रास्ता पार कर सके। और ये वाला जो रास्ता जा रहा है वो स्वर्ग यात्रा की तरफ, मतलब पांडवों ने यहाँ से ही अपनी स्वर्ग यात्रा करी थी, तो लोग आज भी इसको स्वर्ग का रास्ता मान के यहाँ पर यात्रा करते हैं, थोड़ा दूर पैदल चल के जाते हैं। और देखो एक चीज बताना चाहूँगा, जहाँ पर खड़े रह के हमने आपको सरस्वती नदी दिखाई थी वही भीम पुल है, मतलब देखो वहाँ पर खड़े रह के ही हमने आपको सरस्वती नदी दिखाई थी, और यहाँ पर ही नीचे सरस्वती नदी फ्लोट करते हुए आगे बढ़ती है। तो देखो भाई साहब, मतलब आपको भीम पुल मतलब कितनी बोल सकते हो कि हिंदू धर्म की इम्पोर्टेंट जगह पे हम लोग लेके आए भीम पुल, मतलब यहाँ से पांच पांडव अपनी स्वर्ग यात्रा के दौरान निकले थे। सो देखो भीम पुल से जैसे आप थोड़ा ऊपर आओगे, सरस्वती नदी को देख के जैसे ऊपर आओगे ना, तो यहाँ पर एक द्वार बना हुआ है और वहाँ पर लिखा हुआ है स्वर्गारोहण मार्ग, स्वर्गारोहण द्वार। तो यहाँ से ही पांच पांडव ने अपनी यात्रा की थी स्वर्ग के लिए। तो ऊपर चलते हैं, थोड़ा ऊपर चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि एक्चुअली में वहाँ पर क्या क्या बना हुआ है, अगर कुछ है तो, और नहीं है तो भी थोड़ा आगे दिखा के आते हैं। चलिए तो देखो भाई सर, स्वर्गारोहण जो द्वार था, मार्ग था, वहाँ पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर पांडव के स्टैचू लगाए गए, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुए इसलिए उनको मतलब ढक के रखा गया है। जब कंप्लीट हो जाएंगे तो मतलब देखो, मतलब क्या ज़बरदस्त व्यू है, सरस्वती नदी दिख रही है, पहाड़ है, यहाँ से आपको पैदल चलना है और इस तरफ पांडवों ने स्वर्ग यात्रा की थी तो उनकी स्टैचू भी लगाई गई, तो बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही थोड़े टाइम में होने वाली है। और देखो यार, बारिश कंटिन्यूसली चालू ही है और मैं बार बार इसको साफ़ कर रहा हूँ, अपने रुमाल से साफ़ कर रहा हूँ लेंस को, लेकिन फिर भी उसके ऊपर बूंदे गिर ही रही है। तो जितना हो सकता है देखो यार, हम आपको दिखाने का ट्राई कर रहे हैं। स्वर्गारोहण जो मार्ग था उस पर हम लोग आगे चले जा रहे हैं, लेकिन आगे कुछ नहीं है। दो तीन लोगों से हमने पूछा तो वो बोले कि 8-9 किलोमीटर का ट्रैक है और उसके बाद एक वाटरफॉल है छोटा सा, लेकिन ऐसा कुछ आगे है नहीं सच्चाई, मतलब ये मार्ग था जहाँ से पांडव स्वर्ग की यात्रा के लिए गए थे, लेकिन यहाँ पर आप आगे चलते जाओगे तो कुछ है नहीं। और 8-9 किलोमीटर है और अभी देख ही रहे हो कि स्नोफॉल भी हो रही है और बारिश भी हो रही है के साथ, और टेम्परेचर जस्ट हमने चेक किया अभी तो -4 दिखा रहा है शायद, तो टेम्परेचर बहुत डाउन है, बहुत ठंडी हवा बह रही है, बारिश हो रही है, स्नोफॉल हो रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे, जाएंगे वापस माणा गांव के अंदर और वहाँ पर जो व्यास गुफा, गणेश गुफा है वो सारी दिखाएंगे, उसके बारे में इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो भी बताएंगे। तो चले फिर फटाफट चलते हैं सबसे पहले यहाँ से माणा गांव के लिए। आइए तो देख लो गाइस, अभी हम लोग पहुँच चुके हैं व्यास गुफा। आपको मेरे पीछे बैकग्राउंड में एंट्री गेट दिख रहा होगा और साथ ही साथ यहाँ की दीवारों पर भी खूबसूरत पेंटिंग्स बनाई हुई है हमारे महर्षि वेद व्यास जी की। तो देखो पर्सनली मैं माणा विलेज में इस जगह को लेके बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था, क्यों बताता हूँ। तो देखो आपको पता ही होगा कि हमारे हिंदू धर्म में चार वेद है, तो उन चारों वेदों की रचना हमारे महर्षि वेद व्यास जी ने की। तो हुआ यूँ था कि जब हमारे वेदों की रचना की जा रही थी तब महर्षि वेद व्यास जी ने बताया कि मैं वेदों को मैं बता तो दूंगा, लेकिन वेद व्यास जी ने बताया कि मैं जितनी स्पीड से बोलूंगा उतनी स्पीड से उसको लिखना पड़ेगा और साथ ही में एक भी बार उसको बीच में अटकना नहीं होगा। तो पूरी दुनिया में, पूरे संसार में एक ही थे जो इतनी स्पीड से बिना अटके हुए लिख सकते थे और वो थे हमारे श्री परम पूज्य गणेश जी। तो गणेश जी ने जिम्मेदारी उठाई कि ठीक है मैं लिखूंगा, आप बोलते रहना, मैं बिल्कुल भी एक बार भी नहीं रुकूंगा बीच में। तो महर्षि वेद व्यास जी बोलते गए, हमारे गणेश जी लिखते गए दोनों हाथों से,
तो सारी की सारी घटना यही पे हुई थी। अब देखो, आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई यही जगह कैसे, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि यही पे लिखे गए थे, तो उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, सबसे पहले थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर व्यास गुफा और गणेश गुफा नाम की दो गुफाएं हैं। व्यास गुफा जो है बड़ी गुफा है, गणेश गुफा छोटी गुफा है, और व्यास गुफा जो है वहाँ पर दीवारों पर प्राकृत भाषा में हमारे वेदों के अर्थ लिखे गए हैं। बताओ, प्राकृत भाषा किसको आती है आज के टाइम पे, और वो अर्थ किसने लिखे हैं? तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो, इससे आप समझ ही सकते हो कि ये जितने भी यहाँ पर जो घटना हुई थी वो सारे रियल है। तो अंदर चलते हैं, व्यास गुफा दिखाता है, गणेश गुफा दिखाता है, और जो प्राकृत भाषा में उसके अर्थ लिखे गए ना, वैसे तो हमको पता चलेगा ही नहीं कि क्या लिखा हुआ है, तो भले हमें समझ में ना, लेकिन दिखाना आपको जरूरी है। तो अंदर चलते हैं और फटाफट आपको सारे की सारे जगह दिखाते हैं। व्यास गुफा बगल में है, और यहाँ पर व्यास जी ने स्वयं लिखा है प्राकृत भाषा में वेदों के अर्थ जो लिखे थे ना, यहाँ पर एक पत्थर पे लिखा हुआ है। देखो, प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। A few moments later. सभी हम लोग पहुंच चुके हैं गणेश गुफा, मतलब भगवान गणेश को भी एक गुफा समर्पित है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर भगवान गणेश के नाम की गुफा बनी हुई है। व्यास गुफा जितनी बड़ी नहीं है, मतलब वहाँ पर भी क्या उतनी बड़ी गुफा नहीं थी, लेकिन उसको डिवाइड कर दिया था। तो ऐसी एक छोटी सी गुफा यहाँ पर भी बनी हुई है। तो यहाँ पर जूते उतारना है, उसके बाद अंदर दर्शन के लिए जाना है। आइए। तो देखो गाइस, अभी हम लोग गणेश गुफा से भी बाहर आ चुके हैं, और इसी के साथ आज के हमारे जितने भी प्लेसेस थी माणा विलेज में वो हमने आपको दिखा दी। मतलब आप समझ ही सकते हो कि यार, पांडव यहाँ से स्वर्ग यात्रा पे गए थे, यहाँ पर ही हमारे सारे वेद लिखे गए थे, तो ये कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगह है। सरस्वती नदी को आप यहाँ पर देख सकते हो, तो कितनी यहाँ पर, मतलब कितनी इंपॉर्टेंस इस जगह की, आप समझ सकते हो। तो देखो, मैं बोलूँगा यार, बद्रीनाथ आते हो तो आता ही है, वैसे कॉमन सी बात है, हर डेफिनेटली हर टूरिस्ट यहाँ पर आता है। बद्रीनाथ से सिर्फ 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ये वाला गाँव, आगे आओगे तो सिर्फ 3 किलोमीटर, और माणा विलेज से आगे आप जा नहीं सकते। मतलब नॉर्मल सिटीजन के लिए वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, पूरा आर्मी एरिया है, क्योंकि यहाँ से हमारा इंडिया तिब्बत बॉर्डर लग जाता है, तो यहाँ से आगे आप नहीं जा सकते, तो लास्ट विलेज बोल सकते हो। तो इसी के साथ आज का हमारे इस वीडियो का हम लोग यहीं पर एंड कर देते हैं, क्योंकि देखो इसके बाद हम लोग ऋषिकेश जाएंगे डायरेक्टली, और कल हम लोग निकलेंगे अपने घर के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हो, पहली बार हो, तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे पता ही है कि नेक्स्ट मंथ जो है वो लद्दाख सीजन है, और लद्दाख भी हम करने वाले हैं, तो लद्दाख सीरीज भी आने वाली है। सो मेक श्योर सब्सक्राइब दी चैनल, बहुत मजा आएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप ट्रैवलिंग, कीप एक्सप्लोरिंग।